तुम लोग के लिए एक एक्स्ट्रा है फंक्शन होता है, अभी फील हो रहा है, पर्सनलिटी हो रहा है, क्यों पर्सनलिटी हो रहा है पूछो। हेलो एवरीवन, गुड नून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है ट्यूसडे और जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग पे बोला था कि हमारा एक प्रथमाष्टमी है, एक पूजा रहता है, तो मतलब जो घर के बड़े बच्चे होते हैं उनका पूजा होता है और इसीलिए आज पिंकू का नहीं हुआ है, बस मेरा ही हुआ है सिर्फ अकेले का, तो इसीलिए उनका मतलब मन खराब है कि आपका थोड़ा सा भी नहीं। मेरा मन नहीं खराब है सर, दुनिया में जितना भी छोटा भाई होगा, छोटे लोग होंगे उनका मन खराब होता है और जो सिद्धि बच्चे होते हैं ना वो लोग उनका मतलब ले लेते हैं सब कुछ ले लेते हैं सब कुछ मतलब हाँ। लिसु मेरी जो छोटी बहन है वो तो आज नया पहनी है ऑलरेडी, वो तो बात मानी नहीं, वो मानेगा भी नहीं, तो खैर छोड़ो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और पिंकू तो मतलब पिंकू को उनका मतलब मम्मी ने फोन के मना ही किया था कि मतलब मैं तो पहनूंगी बट साथ में तुम मत पहन लेना, तो ये उनको मतलब कल से जो है फोन आ गया था मेरी सासू माँ का, इसीलिए वो नहीं पहन पाए, वरना शायरी पहन लेते हैं। आप बचपन में जिद्दी करते थे, आओ यहाँ थोड़ा, आप बचपन में जिद्दी करते थे? जिद्दी नहीं था मैं, क्या जिद्दी बच्चा था ये बचपन में? अच्छा आप जिद्दी बच्चा नहीं थे तो आप क्या थे? ये भाई ये बहुत शैतान थे बचपन में। अगर नेक्स्ट टाइम में जब ससुराल जाऊंगी ना फिर मेरी सासू माँ से मतलब उनका वो प्रूफ देंगे, हाँ वो ही स्टोरी बोलेंगे आप लोगों को, देखना कितना जिद्दी था, क्या कर रहा था। सच बोलो आप जिद्दी पक्का करते हो गए आप, बहुत जिद्दी बहुत। ये बोलते थे मुझे बचपन पे जब भैया का बर्थडे होता था ना, मतलब इनके बर्थडे पे ये तो गिफ्ट लेंगे ही, पर जब भैया का भी बर्थडे होगा ना तो फिर मतलब जो पार्टी में सबको जैसे बुलाते हैं मतलब लाइक बर्थडे में जो भी बच्चे आते हैं तो गिफ्ट वो अगर भैया के लिए लेके आएंगे तो भैया को मिलने वाला है नहीं, इसीलिए सबको पता चल गया था ये इतना जिद्दी करते, सब दो दो गिफ्ट लेके आते थे, दो दो गिफ्ट, और पापा भी केक भी जो लेते आते थे वो दो दो केक आता था, तो ऐसा ही चलता था बचपन में, मतलब ऐसा ही जिद्दी, मतलब उसका जो भी हो रहा था मेरा ड्रेस, लेकिन मेरा जो हो रहा था उसका नहीं हो रहा था। एक्चुअली मेरा भाई थोड़ा बहुत सिंपल है, ठीक है, तो ऐसा होता है यार, मतलब चेंज हो गया है। नहीं मतलब ऐसा होता है, अभी लिसु भी आज मतलब मेरी भी छोटी बहन है तो उसने भी जिद्दी किया कि मैं भी पहनूंगी, तो पापा मम्मी ने उसको दे दिया, खैर ठीक है कोई इसमें नहीं, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं यार, मतलब उन लोगों को भी ऐसा फील ना होना चाहिए कि पर्सनैलिटी हो रहा है उन लोगों के साथ, पता नहीं मेरे को फील होता है, अभी फील हो रहा है पर्सनैलिटी हो रहा है, क्यों पर्सनैलिटी हो रहा है पूछो, क्योंकि हमारा लिए कुछ भी नहीं है, छोटे बच्चे के लिए क्या है, मतलब छोटा जो है उनके लिए कुछ है, बड़े के लिए प्रथमाष्टमी है, पहले था कुंवार पूर्णिमा जो होता था वो लोग तो छोड़ो, शादी के पहले जो कुंवार मतलब जो कुंवारे हैं तो उनका वो होता था, लेकिन शादी के बाद वो भी नहीं हो रहा, शादी के बाद वो नहीं, लेकिन इन लोग का शादी के बाद भी वो प्रथमाष्टमी का चल रहा है वो चलेगा, क्योंकि बड़ा हम पैसे नहीं है, समझ गया, लेकिन छोटे लोग के लिए क्या है, तुम लोग के लिए एक एक्स्ट्रा है फंक्शन, तुम लोग बर्थडे में भी लेते हो, तुम लोग पूजा वगैरह में लेते हो, वो तो हम भी करते हैं, तुम लोग के लिए एक्स्ट्रा है, इसलिए तो आपने लिसु के साथ ये पार्सलिटी नहीं किया हुआ है, लिसु तो पहन रहा है उसका जिद्दी करके, आप नहीं कर पाए शायद, तो वो तो पहन लिया अपनी जिद्दी करके, मतलब क्या है जिद्दी करके ऐसा करोगे तो मतलब क्या है? अरे जो चीज नहीं मिलता है वो मतलब छीनना पड़ता है, हक अगर किसी का हक नहीं मिलता है तो छीन के लेना पड़ता है, राइट। वैसे आजकल दुनिया इतना अच्छा भी नहीं है, और एक्चुअली गाइस मतलब ये जो पूजा होता है ना मोस्टली घर के, मतलब मेरी तो बचपन से मेरी जो नानी माँ होती है वो करते थे, बट आज मैं पूजा नहीं कर पाई ड्यू टू कुछ प्रॉब्लम के चलते, तो पिंकू ने बस ऐसा मतलब जो उनसे जितना हो पाया वैसे ही थोड़ा मतलब भगवान के पास पूजा कर दिया, और जो नया कपड़ा पहनते हैं उस दिन और कुछ ज्यादा नहीं होता है, बस नया कपड़ा पहनते हैं और स्वीट्स एंड लाइक पीठा वगैरह हमारा कुछ बनता है, राइस केक वगैरह वो ही सब खाते हैं, तो इसीलिए कुछ प्रॉब्लम भी चलते हाँ, मोस्टली जो उस दिन मैंने हल्दी हाँ हल्दी पत्ता वाला जो पीठा बनाया था मोस्टली वही बनता है ज्यादातर, वो मतलब भोग चढ़ाया जाता है भगवान को तो वही, पर आज जैसे कि मैंने बोला कि मैं पूजा नहीं कर पाई इसलिए पिंकू ने पूजा कर दिया, और मैंने कुछ वैसे ही ज्यादा नहीं, बस मैंने एक टी शर्ट और एक नाइट सूट, मैंने ये मेरा नया वाला था मैं वही आज मतलब पहन रही हूँ, और कुछ मतलब फैंसी कुछ आदि नहीं, यही बस आज का मेरा नया कपड़ा है, मेरे पास एक था कुर्ती बट मैं इस बार नहीं पहन रही, वैसे तो कहीं जाना भी है नहीं, घर पे रहूंगी नया पहन के भी और क्या करना, और अभी पिंकू का ऑफिस भी चल रहा है और वो थोड़ा सा गए थे मुझे किचन में हेल्प करने के लिए, तो वही तो चलेगा इस मेरा मतलब जैसे कि मैंने आज बोला ना तो प्रसाद में लगाते हैं वो पीठा वगैरह और बच्चे भी खाते हैं, तो मुझे पता नहीं बट वो पीठा तो मेरा वैसे मैंने प्रसाद पे तो नहीं लगाया, क्योंकि मैं अगर बनाऊंगी भी प्रसाद तो आज नहीं लगेगा,
तो इसीलिए मतलब मम्मी ने बोला था कि तुम थोड़ा सा बस ऐसा ही कुछ भी लाइक डोसा वगैरह भी बना के खा सकते हो, तो अब मतलब पीठा तो नहीं बना रही हूँ, वही डोसा ही बना रही हूँ क्योंकि वही सेम बैटर से ही बनता है, तो डोसा ही बनेगा आज हमारा लंच पे। तो इसीलिए पिंकू मुझे हेल्प कर रहे थे थोड़ा, जो मैंने आलू बॉयल किया था उसको छिलका निकालने में। तो चलिए मैं जाती हूँ, भूख लग रहा है हम लोगों को भी, तो थोड़ा बना लेती हूँ मैं और फिर मैं बात करती हूँ आप लोगों के साथ। तो गाइस आज ये मेरा एक नया वाला फ़ोन आया है, बस ऐसा ही मतलब बहुत कुछ आईफोन वाईफोन नहीं है क्योंकि मेरा पास पुराना फोन था ना उसको हम लोग एक्सचेंज करके, हाँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक पिक्सल था और एक वीवो फोन था, वो काफी टाइम हो गया था लाइक 3 ईयर कंप्लीट हो गया था, तो उसको पिक्सल तो नया है वो 3 ईयर कंप्लीट हो गया था, तो उसको फालतू में मतलब मैंने सोचा कि ऐसे वेस्ट करने से बेटर है कि लाइक टाइम होते हुए उसको एक्सचेंज कर लो, एटलीस्ट कुछ तो अच्छा डील मिल जाए, और उसको एक्सचेंज करके ये हमने क्या लिया, सैमसंग का क्या, सैमसंग गैलेक्सी F41। हाँ तो ये सैमसंग गैलेक्सी F41 ये लिया है कुछ हमने, क्योंकि मेरा जो पिक्सल का फ़ोन है वो मतलब सिंगल स्लॉट है और मेरा जो है दो सिम में यूज़ कर, अरे मेरा सिम गुम हो जाएगा, गिरा दोगे आप, अरे फिर बस हो गया, अभी लेने के देने पड़ जाएगा मुझे, तो मेरा मुझे अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, हाँ यही तो अनबॉक्सिंग ही तो हो रहा है और अच्छा, क्या अनबॉक्सिंग कर रहे हैं ना, हाँ हाँ, तो इसीलिए मुझे और एक फोन यूज करना पड़ता है क्योंकि लाइक जो आईफोन होता है और पिक्सल वगैरह में ये तो सिंगल सिम ही रहता है, और इसीलिए पिंकू भी आईफोन यूज करना नहीं चाहता है क्योंकि हम दोनों को ही मतलब दो सिम की जरूरत पड़ता है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना एक सिम पे हमेशा मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह पे अच्छा नेटवर्क रहे, राइट क्योंकि और एक सिम की जरूरत पड़ता है उसी हिसाब से, कभी कभी तो हमें मतलब दो भी कम लगता है, नहीं हम सोचते हैं कि और एक आधी होता भी तो अच्छा होता है कि नेटवर्क मिल जाए कहीं पे, जैसे हम लोग एयरकोड गए, हाँ एयरकोड में इतना परेशान होते, नहीं मेरे पास सिर्फ जियो था बोल के मेरा काम कर रहा था, तुम्हारा जियो मतलब बहुत कम काम कर, हाँ फिर भी कर ही रहा था ना, एटलीस्ट किसी के पास तो था, मेरे पास था एटलीस्ट, हाँ सो ये है फोन, दिखाओ कैसा कलर है, ग्रीन कलर का कलर है, हाँ इसको खोलो, अच्छा लग रहा है ना, नया वाला कुछ भी हो तो अच्छा ही लगता है वैसे, ये तो खैर फोन ही है, तो जब तक इनका मतलब सब कुछ खत्म ना हो जाए ये मुझे फोन दिखाने के लिए देंगे नहीं, अभी वो पहले सब मतलब घुस घुस के अंदर क्या बोलते हैं उसको, जब तक ये सब नहीं होगा तुम देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक चेकिंग का अपडेट इंस्टॉलिंग नहीं होगा ये सब, नहीं फोन ऊपर से मैं दिखा सकती हूँ लोगों को, फोन तो ऊपर से दिखा सकते हो ऐसे भी करके, लेकिन वो दिखाएंगे बाद में दिखाएंगे। एंड गाइज वन मोर थिंग, ये आज जो मैं वीडियो कर रही हूँ ना ये मेरा एक नया वाला फोन है, ये क्या है मिंगू, सैमसंग का कुछ F41 फोन से कर रही हूँ, तो आप लोग गाइज बोलना कि इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो कैसा आ रहा है, सो मैं देखना चाहती थी थोड़ा इसका जो क्वालिटी है वो कैसा आ रहा है, इसीलिए आज मैं जो ये वीडियो, हाँ फ्रंट कैमरा से, तो ये आई थिंक मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है, बट आप कमेंट करके बोलना कि कैसा क्वालिटी आ रहा है, अच्छा आ रहा है तो मैं आगे से मतलब कर सकती हूँ इसमें से, और ये वाला फोन मेरा पुराना वाला एक फोन था वो एक्सचेंज करके मैंने ले लिया है, तो बोलना आप लोग कमेंट करके कि कैसा लग रहा है, मतलब क्वालिटी वीडियो का कैसा आ रहा है। बना पाई इसीलिए पिंकू मतलब जो आईडी का बैटर होता है वो भी ले आए, क्योंकि कल मैं और रात को स्ट्रोक करना भूल गई थी, और अभी देख रही हूँ मतलब जो चटनी बनाती डोसे के लिए वो जो लाइक क्या चना का दाल होता है वो भी खत्म हो गया, इसलिए जस्ट मतलब बादाम और कोकोनट की चटनी वो ही बना लूंगी, my mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late.
डोसा मैं कभी कभी घी में भी बनाती हूँ क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है ना यहाँ पे लोकल पे भी मिलता है। मतलब पिंको और मैंने हम पहले हमें पता नहीं था कि डोसा मतलब घी पे बनता है, बट हमने जब खाया क्यों आप घी डोसा बोल के नहीं सुने हो क्या? मतलब शादी से पहले मैं हैदराबाद में, अच्छा हाँ बैंगलोर आने के बाद स्पेशली जो घी डोसा है वो मैंने खाया। यहाँ पर मतलब 99 टाइप का डोसा जो मिलता है, पनीर डोसा, मशरूम डोसा, घी डोसा, लेकिन और सच में उसका टेस्ट ऐसा नहीं अच्छा नहीं होता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और उनका चटनी थोड़ा अलग सा रहता है ना, वो पुदीना टाइप का कुछ चटनी रहता है वो। हाँ, पर घी पे भी डोसा बहुत टेस्टी होता है, अगर आप मतलब ट्राई नहीं किया ना, आई विल सजेस्ट कि एक बार ट्राई करो, अच्छा लग जाए पर घी वाला जो डोसा। I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late, I'm out of time, but I'm still thinking of you. सो गाइज इवनिंग हो गई है अभी और बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे भी नीचे मस्त वाला अपना खेल रहे हैं। और पता नहीं ना आज क्यों मुझे थोड़ा थोड़ा सा ना हेडेक हो रहा है, शायद आज मैं ना सुबह से पूरा वो जो मेरा स्पेक्स है पहनना भूल गई हूँ। मतलब ऐसा भी होता है, थोड़ा ये बंद कर लेती हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, तो शायद मैं स्पेक्स पहनना भूल गई हूँ ना, तो ऐसा भी होता है कि जिस दिन कभी कभी भूल जाती हूँ। पिंकू बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, आज सुबह से मैं उठ के मतलब एडिटिंग कर रही थी तब मैं भूल गई थी पूरा पहनना, मतलब अभी नया नया पहन रही हूँ अभी, मतलब लाइक 1 month भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं भूल जाती हूँ कभी कभार, तो उसके बाद ना कुछ टाइम के बाद मुझे हेडेक होना स्टार्ट हो गया, तो अभी मतलब पहन नहीं थी भी, फिर भी थोड़ा बहुत हो रहा है तो अभी मैंने निकाला है फिलहाल, तो ऐसा होता है कभी कभी। और यहाँ पर ना गाइस बच्चे नीचे खेल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, तो अंदर जाना पड़ेगा ना, आप लोगों को मेरी बात सुनाई देगी नहीं। और पिंकू भी अपना मतलब ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो मैं आप बोल रही थी ना कि मैंने जो नया वाला फोन लिया है तो ये ऐसा वाला है, उसका मतलब सैमसंग का कुछ ऐसा टेल ब्लू, शायद ऐसा ही कुछ कलर है टेल ब्लू जैसा इस तरह सा। तो अभी मतलब इसमें तो लिखा कि ये मतलब 64 मेगापिक्सल का है, मतलब 3 कैमरा है इसमें, बट देखते हैं अभी इसका थोड़ा बहुत फंक्शन वगैरह मैं देख रही हूँ, देखते हैं। और अभी नया लिया है तो एक दिन एक आधी दिन अच्छा लगता है थोड़ा भी, देखती हूँ उसमें क्या क्या सा है मतलब फीचर्स इसमें। पर जितना भी चाहे जो भी हो जाए, जितना भी 3 कैमरा हो जो भी हो, आई डोंट थिंक कि मतलब ये रियल वाला पिक्सल होता है। अगर आपने कभी गूगल पिक्सल या आईफोन यूज़ किया है तो कंपैरेटिवली आप कंपेयर कर पाओगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मेरा जो पिक्सल वाला फ़ोन है उसका जो कैमरा है लाइक आई थिंक 12 मेगापिक्सल है, पर उसका जो पिक्चर क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप अगर मेरे इंस्टा पे भी देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा तो कितना अच्छा है उसका कैमरा। पर ये बस मैंने ऐसे ले लिया है, देखेंगे अगर मैं यूज़ मतलब जैसे कि मैंने बोला ना मैं 2 सिम यूज़ करती हूँ, इसीलिए मुझे ज़रूरत होता है क्योंकि पिक्सल में 2 सिम आती नहीं है, तो इसीलिए ये मतलब बैकअप में मुझे रखना पड़ता है, कभी कभार ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मेरे पास भी 2 फिलहाल बहुत टाइम से मैं 2 सिम यूज़ कर रही हूँ तो जरूरत पड़ ही जाता है, तो इसीलिए। और आज ना मुझे थोड़ा थोड़ा सा थ्रोट पेन भी हो रहा है, कल ना यहीं पर ही मतलब है कोल्ड ड्रिंक्स मैंने थोड़ा पी लिया था क्योंकि मुझे रात को थोड़ा गैस गैस फील हो रहा था, तो कोल्ड ड्रिंक्स था थोड़ा मैंने फ्रिज पे पी लिया था, अभी तक यहीं पर पड़ा है, इसीलिए आज थोड़ा सा थ्रोट पेन हो रहा है। तो अभी जा रही हूँ, मेरा गला भी बैठा हुआ है आप देख सकते हो, इसलिए जा रहा हूँ, अभी थोड़ा सा गर्म पानी बना के पीऊंगी एंड चलिए गाइस साथ ही साथ आज की जो व्लॉग है यहीं पर एंड करती हूँ। तो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, साथ ही साथ आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय।